हेलो दोस्त, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ बजट के बारे में देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24, ठीक है, जो आगामी जो आने वाले एग्जाम है उनमें हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ बजट 2023-24, ठीक है, क्या क्या इसमें मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें मुख्य आकर्षण जो विधानसभा में बजट प्रस्तुत हुआ था 6 मार्च 2023, इसको तिथि को याद रखना, ठीक, दिनांक 6 मार्च 2023 को प्रस्तुत हुआ था विधानसभा में। तो ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा, शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, पहला पॉइंट। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 6,800 करोड़ रुपए। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए स्टार्ट, ठीक है, नगर पंचायत तो में भी इसको स्टार्ट किया गया है। चौथा मेन पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 43% की वृद्धि प्रति माह 500 रुपये। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 43% की वृद्धि प्रति माह 500 रुपये। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 38 करोड़, ठीक। तो पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना, ठीक, पत्रकार गृह निर्माण ऋण योजना लोन अंतर्गत ब्याज अनुदान 50 लाख का। ये मेन पॉइंट इसमें आते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए बजट में जो है नगरी क्षेत्रों में अधोसंरचना 1,000 करोड़ रुपए। दुर्ग से नवा रायपुर के लिए लाइट मेट्रो सेवा, दुर्ग से नवा रायपुर के लिए लाइट मेट्रो सेवा। नगरी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क 50 करोड़, कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह 25 करोड़, कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह 25 करोड़। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इसके लिए 807 करोड़ का बजट। राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय, 200 करोड़ इसके लिए। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 990 करोड़। ये मेन अट्रैक्शन मानदेय में वृद्धि, ये मुख्य आकर्षण है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है दूध 10,000 रुपये प्रति माह, इन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है दूध 7,500 रुपये प्रति माह, आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 5,000 रुपये प्रति माह, मितानिनों के लिए 2,200 अतिरिक्त प्रति माह, ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3,000 रुपये, 4,500 रुपये, 5,500 रुपये, 6,000 रुपये प्रति माह ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर, ग्राम पटेलों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह, ये इम्पोर्टेंट है। और मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोई हेतु 1,800 रुपये प्रति माह, विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु 2,800 रुपये प्रति माह, होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम 6,300 से अधिकतम 6,400 रुपये प्रति माह, स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्षता हेतु 750 रुपये, अशासकीय सदस्यों हेतु 500 रुपये प्रति माह। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर, तो इसमें आप देख सकते हो CAGR 9.2%, 3,37,106 से 5,09,043 करोड़ रुपए, CAGR 9.25%। ये फिस्कल ईयर 2023-24 का है, इतना वृद्धि हुआ है, ठीक है, फिस्कल ईयर 2018-19 से 9.25%। बजट अनुमान में CAGR 7.8% की वृद्धि 2023-24 में, एक लाख 1,500 करोड़ रुपए, फिस्कल ईयर 2018-19 में 83,180 था, 7.87% बजट अनुमान। मुख्य उद्देश्य संकेतक, कुल प्राप्तियां, बजट अनुमान 2022-23 1,04,000 और बजट अनुमान 2023-24 1,21,501, वृद्धि किया इस बार। राजस्व प्राप्तियां 89,073, 1,06,001। इसमें राजस्व प्राप्ति में आता है राज्य का स्वयं का राजस्व 44,500 और 2023-24 में 56,200। पूंजीगत प्राप्तियां आप देख सकते हो, पूंजीगत प्राप्तियां 14,927 और 2023-24 में 15,500। कुल व्यय जो है तो 1,04,000 है और 2023-24 में 1,21,500 करोड़ रुपए में, ना 1 करोड़ रुपए में है। तो राजस्व अधिक क्या है, 702, 3,500 करोड़ रुपए।
राजकोषीय घाटा है -14,600 करोड़, -15,200 करोड़। राज्य सकल घरेलू उत्पाद 4,38,470, 5,09,043। राजकोषीय घाटा उत्पाद के परसेंट रूप में -3.33%, -2.99%। जीएसडीपी के परसेंट के रूप में राजकोषीय एवं राजस्व घाटा। तो आप देख, 2018-19 से 2023-24 की बात हो रही है, राजस्व अधिक 0.69 हो गया अभी, और जो जो राजस्व घाटा है 2.99%, राजस्व अधिक 0.69। तो 2023-24 की बात करें तो 2.99 माइनस तो प्राप्तियां जो है, राजस्व व्यय का प्रकार, राजस्व प्राप्तियां 1,06,001 करोड़ 88%। पूंजीगत प्राप्तियां में 15,500 करोड़ रुपए 12%। कुल प्राप्तियां 1,21,501 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 88%, पूंजीगत प्राप्तियां 12%, 56,100 करोड़ रुपए। राजस्व राज्य के स्वयं का राजस्व राजस्व प्राप्तियों में 53% करोड़ रुपए में 18,232%, 38,068%। राज्य का स्वयं का कर राजस्व, ठीक है, ये जो है, और राज्य का स्वयं गैर कर राजस्व ये 38,068%, और ये जो ब्लैक वाला है ये राज्य का स्वयं का कर राजस्व, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां प्रकार से। अब इसमें केंद्र करों में राज्य का हिस्सा, केंद्र में अनुदान, ये ऊपर वाला 34,800 करोड़ रुपए 70% है उसका। केंद्र से अनुदान 15,030%, ठीक है, 49,800 केंद्र से प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियों का 37%। पूंजीगत प्राप्तियां 15,500, इसमें से शुद्ध लोन लोन है 11,574%, वो ऋण व अग्रिम की असली 302%। निवल लोक लेखा प्राप्तियां 3,724%। क्षेत्रवार पे अन्य सेवाएं में 23% है, सामाजिक सेवा में 41%, आर्थिक सेवा में 36%। इस प्रकार का व्यय होगा, आर्थिक सेवा में 36% होगा, सामान्य सेवा में 23%, सामाजिक सेवा में 41%। अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति में 33%, और सामान्य के लिए 55%। रुपये की प्रकृति के आधार पे सहायक अनुदान 29.01%, वेतन भुगतान 25.22% हो जाएगा, पूंजीगत व्यय 15.36%, आर्थिक सहायता 8.17%, ऋण पुनर्भुगतान 6.21%, पेंशन जाएगा 6.08%, ब्याज भुगतान 5.69%, अन्य 4.26%। तो और रुपया कहाँ से आता है उसके, तो ये कहाँ से आता है, राज्य के स्वयं का कर राजस्व, राज्य के स्वयं का कर राजस्व, राज्य के स्वयं का राजस्व 40%, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्र का अनुदान, केंद्र से प्राप्तियां 40%, शुद्ध लोक ऋण, ऋण अग्रिम वापसियां, शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां 13%। वेतन एवं भत्ते से, ठीक है, पेंशन से, प्रति व्यय मतलब ब्याज आदा गई, ठीक है, 37% 37% 37, सहायक अनुदान, आर्थिक सहायता, पूंजीगत निर्माण, अन्य सहायक अनुदान तथा आर्थिक सहायता 37%। मुख्य विभागों के बजट अनुमान, तो अलग अलग विभाग में कितना अनुमान है करोड़ रुपए में देखेंगे, ठीक है, बजट। तो स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 19,489 करोड़ रुपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 10,329 करोड़, कृषि विभाग के 10,070 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 7,652, ऊर्जा विभाग के लिए 6,662 करोड़ रुपए, गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़ रुपए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 6,464, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 5,497 करोड़ रुपए, नगरीय प्रशासन विकास विभाग 5,361 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग 3,607 करोड़ रुपए। स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा, ठीक, इसमें आता है राज्य अनुसंधान फेलोशिप योजना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल 870 करोड़, राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 4 परियोजना 400 करोड़ रुपए, कोटा राजस्थान में भू अधिग्रहण छात्रावास निर्माण, शालाओं का उन्नयन, शाला भवन निर्माण, सर्व शिक्षा अभियान 1380 करोड़ रुपए, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय नवा रायपुर, आउट कैंपस सेंटर,
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण 81 करोड़ रुपए, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम पीएमसी योजना 60 करोड़, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 85 करोड़। कृषि विभाग का देख सकते हैं, कृषि विभाग कहाँ का जाता है, 6,800 करोड़ रुपए टोटल है, 575 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 6,800 करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना में 575 करोड़, एकीकृत बागवानी विकास योजना 205 करोड़, चिराग योजना 200 करोड़, गोधन न्याय योजना 175 करोड़, राज्य कृषि विकास योजना 87 करोड़, गन्ना उत्पादक किसानों को बोनस 60 करोड़, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1.521 करोड़। ये तो अलग अलग। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कहाँ कहाँ बजट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 3,238 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 787 करोड़, मनरेगा के लिए 1902 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना 319 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन 400 करोड़, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 149 करोड़, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 189 करोड़, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 149 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 494 करोड़, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि 5 करोड़, ग्राम पंचायत भवनों में जल संवर्धन 50 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 200 करोड़। इस टाइप से आप पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बजट पास हुआ है। और महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में देखेंगे तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 38 करोड़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 8 करोड़, एकीकृत बाल संरक्षण योजना 124 करोड़, नगरीय क्षेत्रों में 100 आंगनबाड़ियों की स्थापना 12 करोड़, एकीकृत बाल विकास योजना ICSD 844 करोड़, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 160 करोड़। इस टाइप से बाल एवं महिला विकास विभाग, पर्यटन विभाग देख लेते हैं, कौशल्या महोत्सव चंदपुरी, आदिवासी संग्रहालय कबीरधाम, मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना, मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, भारत भवन, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, राम वन भवन पर 50 करोड़ बजट पास हुआ। ऐसे अलग अलग विभाग का हम देख चुके हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ठीक है इंपॉर्टेंट बन के आता है, अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन, भारत वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव है, 75वीं वर्ष मनाया जा रहा है, हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है, भारत में 65% युवा आबादी निवास करती है, आर्थिक विकास दर अनुमानित, आर्थिक विकास दर अनुमानित 2021-22 में 8.7%, 2022-23 में 7.0%, छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.1% भूभाग किसान, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 में कुल 107.5 लाख मीट्रिक टन से धान अधिक खरीदी कर छत्तीसगढ़ राज्य का धान का कटोरा नाम को चरितार्थ किया है। प्रदेश में कार्य सहभागिता का अनुपात 47.68% है। एस आर एस रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 1 लाख प्रति जन्म पर 137 हो गई है। वर्ष 2022 की स्थिति में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 38 हो गई है। सतत विकास लक्ष्य में वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है, 2030 लक्ष्य है शिशु मृत्यु दर के 1,000 जीवित जन्म पर 38 लोग मरे हैं, तो उनमें से 15 लक्ष्य रखा गया। छत्तीसगढ़ के 14 जिले में मिलेट के जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया, 14 जिले को मिलेट जिला, गढ़वा नवा छत्तीसगढ़ जैसा जयमा अमर पुरखा के सपना पूरा हुआ है, अवापुर करण की हमें गढ़वा नवा छत्तीसगढ़ ठीक है। तो यहाँ पे श्री भूपेश बघेल का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री बिश्वाभूषण हरिचंदन राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास देखते हैं, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास सकल राज्य घरेलू उत्पाद GHDP स्थिर भाव पर, तो 2012-13 में 5% वृद्धि दर था, 2013-14 में 10%, 2014-15 में 1.77%, 2015-16 में 2.5 था, 2016-17 में 12.1 सर्वाधिक, 2017 किसी का पूछ सकते हैं ना, 2017-18 का 3.01%, 18-19 का 11.10%, 19-20 का वृद्धि दर 2.76%, 2021 में लॉस में गया -1.80 न्यूनतम, 2021-22 में 8.46% की वृद्धि और 2022-23 में 8% की वृद्धि दर,
औसत वृद्धि दर 5.73% है, 5.73% ब्याज दर में। सर्वाधिक वृद्धि दर 2016-17 में 12.13% था, न्यूनतम वृद्धि दर 2020-21 में -1.80%, औसत वृद्धि दर वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक 5.73%। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार इसी भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 तो क्षेत्र संभावित भागीदारी प्रतिशत और संभावित वृद्धि प्रतिशत, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 16.91% है और संभावित वृद्धि प्रतिशत 5.93%, उद्योग में आपका 59.88, 7.83% का वृद्धि प्रतिशत है, सेवा में 33.21 और 9.21%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में संभावित क्षेत्र वृद्धि दर स्थिर भाव पर 2017-18 में कृषि क्षेत्र में -10.90 न्यूनतम था, उद्योग क्षेत्र में 9.31, सेवा क्षेत्र में 1.79। 18-19 को देखते हैं, 13.49 कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक था, 16.29 सर्वाधिक उद्योग क्षेत्र में, 3.4 सेवा क्षेत्र। 19-20 में 5.22, 2.27, 10.82 सर्वाधिक। उसी प्रकार से 20-21 का 4.56, 0.44 न्यूनतम, -4.41 सेवा क्षेत्र में, और 21-22 में 4.33 कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में 8.07 सेवा क्षेत्र में, 9.80। 2022-23 का देख लेते हैं, 5.93 कृषि क्षेत्र में, 7.83 उद्योग क्षेत्र में, 9.21 सेवा क्षेत्र में। 2012-13 से 2022-23 औसत वृद्धि दर 5.31 कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में 6.34 सेवा क्षेत्र में, 5.37% वृद्धि दर। तो ये पूछ सकते हैं, 2012-13 से 2022-23 में औसत वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में 5.31, उद्योग क्षेत्र में 6.34 सेवा क्षेत्र में, 5.37 समर्थन समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी 2021-22, 2021-22 की बात हो रही है, तो धान 97.99 लाख टन, कुल भुगतान जो है कितना किया गया है, 24 करोड़ 49 लाख 840 लाख रुपए। मक्का का 120.9 टन, 22.60 लाख। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में धान सामान्य धान ग्रेड एक समर्थन मूल्य क्रमशः 2040-2060 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। उचित मूल्य की दुकान एवं राशन कार्ड, उचित मूल्य की दुकान एवं राशन कार्ड नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान 1,668 है, 16.78। ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान जो है 11,829 है, 11,829 कुल उचित मूल्य की दुकान, कुल 13,507, कुल प्रचलित राशन कार्ड 72.71 लाख, 72,77,000 राशन कार्ड। राजस्व मध्य विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति 89,073.25 करोड़, इम्पोर्टेंट है याद रखना, 89,073.25 करोड़। राजस्व व्यय 88,371.61 करोड़। राजस्व घाटा हुआ है 701.64 करोड़ रुपए। कुल कर राजस्व में वृद्धि 7.55%। गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का 51.94%। बैंकिंग संबंधी विवरण जून 2022 की स्थिति में, कुल जमा राशि 21,2,14,426.87 करोड़, विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि 11.84%। कृषि क्षेत्र में क्रेडिट अग्रिम में वृद्धि 20.06%। सिंचाई संबंधी विवरण मार्च 2022 की स्थिति में, कुल सिंचित सिंचाई क्षमता 21.4 लाख हेक्टेयर, वृहद सिंचाई परियोजना 8, वृहद सिंचाई परियोजना 8, मध्यम सिंचाई परियोजना 38, लघु सिंचाई परियोजना 2,400, नलकूप योजना 30, ये पूछ सकते हैं नलकूप योजना कितना 30 है। एनीकट स्टाफ डे, एनीकट स्टाफ डे 806, तो ये आपको याद रखना। मत्स्य उत्पादन संबंधी विवरण 2021-22, तो कुल मत्स्य उत्पादन 59,61,284 मेट्रिक टन, गत वर्ष की तुलना में वृद्धि कितना है 2.42%। राज्य में कुल जल क्षेत्र उपलब्ध 1.99 लाख हेक्टेयर, मछली पालन अंतर्गत जल क्षेत्र 1.961 लाख हेक्टेयर, कुल जल क्षेत्र का प्रतिशत 98.9%। कुल विद्युत स्थापित क्षमता अक्टूबर 2022 की स्थिति में, ताप विद्युत से 2,840 मेगावाट, जल विद्युत से 138.7 मेगावाट, अन्य सह उत्पाद 6 मेगावाट, कुल स्थापित क्षमता 2,984.7 मेगावाट, 2,984.7 मेगावाट।
2021 काफी इतना यूनिट होता है 17,515.518 मिलियन यूनिट, जल विद्युत 4.3 मिलियन यूनिट, और उत्पादन 6.2 मिलियन, उत्पादन 17,953.18 मिलियन यूनिट, इतना उत्पादन किया गया। और 2021-22 में वितरण हानि का 18.31% रहा। हाफ बिजली बिल योजना अंतर्गत 2021-22 सितंबर 2021 तक राज्य के लगभग 40.94 लाख उपभोक्ताओं को 542.77 करोड़ रुपए की छूट दे चुकी है, दी जा चुकी है। तो सेवा को कर्मियों को लाभ राशि रुपए में, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वर्ष 2018 से 15,000, वर्ष 2020 में 50,000। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले 5,000 दिया जाता 2018 में, अब 10,000 देते हैं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 3,500 राशि रुपए में, ठीक है, रुपए में था वर्ष 2035, अब 7,500 दे रहे हैं। आंगनबाड़ी सहायिका 2,500 देते थे, अब 5,000 दे रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 3,050 देते थे, अब 500। बेरोजगारी भत्ता पहले 0 था, अब 2,100 को दो बार का मानदेय, कोटवारों का मानदेय 2,250, 3,000, अब 3,375, 4,500, 4,050, 500, 4,500, 6,000। राम पटेल 2,000 और 3,000 राम पटेल को। मध्याह्न भोजन सहयोग का मानदेय 1,500 था, अब 1,800 हो गया। स्कूल स्वच्छता कर्मी स्कूल का मानदेय 2,500 से 2,800। होमगार्ड जवानों का मानदेय 13,200 से 19,500 से 19,800। स्वावलंबी कोषांग अध्यक्ष मानदेय 0 था, अब 750 है। स्वावलंबी कोषांग सदस्य मानदेय 1,500 है। किसानों को राज्य मद से 2,200। आदिम जाति और अनुसूचित जाति शिक्षा वृत्ति 1,000 से 1,500। भोजन सहाय योजना 700 से 1,200, आप देख सकते हो। तो खनिज उत्पादन में विवरण 31 मार्च 2022 की स्थिति में, खनिज कुल उत्पादन कोयला का 1,54,130,000 टन, लौह अयस्क 41,313,000 टन, चूना पत्थर 41,888 मीट्रिक टन, बॉक्साइट जो है 978,000 टन, टी जो है 26,383 किलोग्राम। उत्पादन हुआ है सबसे ज्यादा कोयला का हुआ है, फिर लौह का, फिर चूना पत्थर, बॉक्साइट, फिर टी। खनिज राजस्व 2021-22 देख लेते हैं। मुख्य खनिज में 7,320.35 करोड़ रुपए, गौण खनिज में 252.85 करोड़ रुपए। राज्य खनिज राजस्व आय मूलतः कोयला लौह अयस्क से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास दर, आर्थिक 2022-23 का अग्रिम अनुमान स्थिर भाव पर, छत्तीसगढ़ का वर्सेस राष्ट्रीय स्तर का। तो आर्थिक विकास दर छत्तीसगढ़ का 8% है और भारत राष्ट्रीय स्तर पर 7%। कृषि विकास दर 5.9% है और इसका 3.5, औद्योगिक विकास दर 7.8% है छत्तीसगढ़ में, 4.1% राष्ट्रीय स्तर पर। और सेवा क्षेत्र की विकास दर 9.2% है छत्तीसगढ़ का, 9.1% है राष्ट्रीय का। तो मनरेगा संबंधी विवरण 2022-23 सितंबर तक, छत्तीसगढ़ में कुल परिवारों को रोजगार 13.55 लाख, कुल मानव दिवस सृजित 325.57 लाख, महिलाओं का प्रतिशत 52%, 100 दिवस रोजगार प्राप्त परिवार 6,188 परिवार। जल जीवन मिशन संबंधी विवरण 2022-23 सितंबर 2022 की स्थिति में, छत्तीसगढ़ में कुल 4,83,034 परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू जल नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। 4,83,034 परिवारों को जल जीवन मिशन। गोधन न्याय योजना संबंधी विवरण, गोधन न्याय योजना संबंधी विवरण, योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 21,647 पशुपालकों से 2,23,54,513.74 क्विंटल गोबर खरीदी किया जा चुका है, ठीक है। 23,54,513.74 क्विंटल गोबर खरीदी किया जा चुका है, ये पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2013, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक चली सर्वे, ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाके मोबाइल ऐप ले हुई सर्वे, और जेखर ले जरूरतमंद लोगन न मिली जम्बो योजना के लाभ, लोगन मन के हित पर बनी नवा सरकारी योजना, ठीक है। और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, हर एक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा, 247 अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय और 32 हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय,
101 नए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए 8 करोड़ का बजट, 101 नए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए 8 करोड़ का बजट, छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की सरकार नारायण। जनसंख्या के बारे में देखते हैं, जनसंख्या इंपोर्टेंट आता है, जनसंख्या छत्तीसगढ़ जनसंख्या विवरण विवरण जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़े, जनसंख्या 2023 अनुमानित आंकड़े, इसके बारे में देखेंगे आपको, ये अनुमानित है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या जो है 2 करोड़ 55 लाख, 2 करोड़ 55 लाख 45,198, 2011 जनगणना के अनुसार। अब 2023 में हो जाएगा 3 करोड़ 1 लाख 80 हजार, 3 करोड़ 1 लाख 80 हजार हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति 78 लाख, अनुसूचित जनजाति ना, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब ST 78,22,902 हो जाएगी 2023 में, 89,67,720, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत 3.62%, 3.71%, 3.71%। अनुसूचित जाति जनसंख्या है 3,37,479, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनसंख्या 12, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 12.82%। जनसंख्या घनत्व तो है 189, जो 2023 में 223 हो जाएगी, अनुमानित है जनसंख्या तो 189 है, अभी 223 हो जाएगी। सकल लिंगानुपात जो है 991, 955 हो जाएगी 2023 में। साक्षरता दर 70.28% है, 14.53% बढ़ जाएगी साक्षरता 70.28। जनसंख्या 2000 जनसंख्या संबंधी आंकड़े, जनसंख्या 2023 के अनुसार 3 करोड़ 1,80,000 अनुमानित आंकड़े। सर्वाधिक जनसंख्या जिला क्रम जिला रायपुर, उसमें जनसंख्या 26,99,047, बिलासपुर में 20,61,185, दुर्ग में 19,29,702। न्यूनतम जनसंख्या 2023 अनुमानित के अनुसार ना, न्यूनतम जनसंख्या जिला अनुमानित अनुमान जो है उसके अनुसार नारायणपुर न्यूनतम जो है जनसंख्या है 1,61,71,000, सुकमा उसके बाद 2,63,899, बीजापुर 2,70,799। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2023 के अनुसार अनुसूचित जनजाति 89,67,720 अनुमानित आंकड़े, और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या बस्तर में, फिर जसपुर में, फिर कोरबा, तो आंकड़ा देख सकते हो। बस्तर न्यूनतम जनजाति जिला बेमेतरा, फिर जनजाति बार अनुसूचित जनजाति बेमेतरा, खैरागढ़, फिर सारागढ़। अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत 2023 के अनुसार 29.71%, प्रतिशत के अनुसार सुकमा, फिर बीजापुर, फिर नारायणपुर में, न्यूनतम जनजाति प्रतिशत में रायपुर में सबसे कम न्यूनतम जनजाति, फिर बेमेतरा, फिर दुर्ग, इम्पोर्टेंट। अनुसूचित जाति जनसंख्या 2011 के अनुसार, अनुसूचित जाति जनसंख्या 2011 के अनुसार इसको देख लीजिए, तो 3,37,469, 3,37,400 ये आता है जनगणना 2011 के अनुसार। अनुसूचित जाति अंतिम आंकड़े, सर्वाधिक अनुसूचित जाति तो रायपुर में है, उसके बाद बिलासपुर में, फिर दुर्ग में, आंकड़ा देख सकते हो 3,58,774। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या न्यूनतम सुकमा में, फिर उसके बाद नारायणपुर, फिर बीजापुर। अब अनुसूचित जाति जनसंख्या 2011 के अनुसार 12.82% है, आंकड़ा परसेंट में, ठीक है, तो परसेंट के अनुसार अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा सारंगढ़ में, ठीक है, फिर मुंगेली में, फिर जहांगीर हरिजन जो है उनके बारे में बता रहा है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति परसेंट में तो सबसे कम सुकमा में, फिर बस्तर, फिर नारायणपुर। जनसंख्या घनत्व 2023 के अनुसार 223 है, तो इसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 932 जनघनत्व, फिर दुर्ग में 835, बिलासपुर में 583 जनसंख्या घनत्व, बीजापुर में 32 न्यूनतम, नारायणपुर में 34, सुकमा में 48। साक्षरता दर प्रतिशत 2011 के अनुसार 70.28%, ठीक है, तो साक्षरता सबसे ज्यादा दुर्ग में 82.56%, रायपुर में भी 80.52%, बालोद में 80.28%, और न्यूनतम साक्षरता सुकमा में सबसे न्यूनतम 34.81%, बीजापुर में 40.86%, नारायणपुर में 48.62%।
साक्षरता दर 2023 के अनुसार 74.35% हो जाएगा। तो इसके अनुसार दुर्ग में सबसे ज्यादा है 86.21 और रायपुर में 85.34, बालोद में 82.57, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर सुकमा, फिर बीजापुर, नारायणपुर। अधोषित जन्म एवं मृत्यु दर, अधोषित जन्म एवं मृत्यु दर, अधोषित जन्म दर भारत छत्तीसगढ़ देखते हैं, दो और 2011-15 अंतिम आंकड़े 3.16 अधोषित जन्म दर, ठीक है, और नतीजे 22.5, 2021 से 25 में अनुमानित आंकड़े 16 हो जाएगा भारत में, और छत्तीसगढ़ 17.8, अधोषित मृत्यु दर 2011 में भारत में 7.2, 21-25 में 7 मृत्यु दर, छत्तीसगढ़ 9.2, 7.3। जीवन प्रत्याशा पुरुष महिला, तो जीवन प्रत्याशा पुरुष 74.4, महिला 72.7, लिंगानुपात अनुमानित 2021 भारत छत्तीसगढ़ 900 और छत्तीसगढ़ में जाएगा 2021 छत्तीसगढ़ 2011 लिंगानुपात 921 में अनुमानित 21 में 900, 2023 अनुमान अधोसूचित जन्म दर और अधोसूचित दर 22.5, 17.8 और मृत्यु दर 7.3। राजकीय आय के बारे में, ठीक है, राजकीय आय कहाँ कहाँ ब्याज मिलता है, तो सामान्य परिचय, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र प्लस खनन उत्खनन में आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है उद्योग क्षेत्र खनन उत्खनन माइनस कर दें, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, उद्योग क्षेत्र जितना भी खनन उत्खनन माइनस हो जाता है, कृषि क्षेत्र खनन उत्खनन जोड़ देते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में फसलें, पशुपालन, वनोद्योग एवं लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन उत्खनन, और द्वितीय क्षेत्र में क्या है, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, अन्य उपयोगिता, ठीक है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, व्यापार, होटल एवं जल, पान गृह, परिवहन, संग्रहण, संचार, रेलवे, परिवहन, रेलवे के अतिरिक्त भंडारण। जीडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर 2022-23, तो जीडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत, तो आर्थिक विकास दर भारत का 7% है, छत्तीसगढ़ का 8%, कृषि क्षेत्र में भारत का 3.45, छत्तीसगढ़ 5.93, उद्योग क्षेत्र में भारत का 4.1, छत्तीसगढ़ 7.83%, सेवा क्षेत्र में 9.14 भारत का, 9.21 छत्तीसगढ़ का। प्रति व्यक्ति आय प्रति भाव पर 1,70,620 रुपये, 13.7% वृद्धि भारत का, छत्तीसगढ़ का 1,33,898, 1,33,898 रुपये, 1,33,898 रुपये, 10.93% वृद्धि प्रति व्यक्ति आय प्रति भाव पर, 10.93% वृद्धि। सेवा क्षेत्र में तो बात भंडारण संचार तथा सेवा वित्तीय सेवा स्थावर संपदा आवासीय को स्वामित्व था इसके बाद लोक प्रशासन अन्य छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी स्थिर भाव पर क्षेत्रवार प्रतिशत योगदान 2022-23 थे, जीएसडीपी स्थिर भाव पर क्षेत्रवार प्रतिशत योगदान, उद्योग कृषि वानिकी और मछली उद्योग स्थिर मूल्य पर 16.91, अतिरिक्त मूल्य पर 21.7% योगदान, स्थिर भाव पर जीएसडीपी योगदान 21.79, उद्योग का 49.88, 42.28 अतिरिक्त मूल्य पर 42.28, सेवाएं 35.21 अतिरिक्त मूल्य पर 35.93। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी स्थिर भाव पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर 2022-23, उद्योग समूह जीएसडीपी इसी भाव पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि 2022-23, कृषि वानिकी और मछली उद्योग में स्थिर मूल्य पर 5.93 और प्रचलित मूल्य पर 10.7, उद्योग खनन उत्खनन सहित 7.83%, 12.21, सेवाएं 9.21%, 14.43, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्धन आधार मूल्य पर 7.95%, स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर 8% वृद्धि दर, 12.6% वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय प्रति भाव पर, प्रति व्यक्ति आय प्रति भाव पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 से वृद्धि प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय प्रति भाव रुपए में 1,33,898, 1,33,898 प्रति व्यक्ति आय प्रति भाव पर 10.93% वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय प्रति भाव रुपए में चार प्रति व्यक्ति भाव इसी भाव रुपए में 96,242, 96,242 प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद रुपए में, प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1,52,349, प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1,52,349,
भूपेश सर पर भरोसा, नई दिल्ली पर पहुंचा। अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, ठीक है, 20 क्विंटल धान खरीदी का। अब सात राज्य ग्राहियों को पक्का आवास, छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 1 से 30 अप्रैल 2023 तक, युवा सपनों को नया पंख, 4 चिकित्सा मध्य महाविद्यालय, 23 अन्य महाविद्यालय, 4 अंग्रेजी माध्यम, 4 संगीत महाविद्यालय, 6 कन्या महाविद्यालय। लोकवित्त देखते हैं, पब्लिक फाइनेंस। राजस्व प्राप्तियां 2022-23 बजट अनुमान। राजस्व राशि करोड़ रुपए में वृद्धि प्रतिशत, तो कर राजस्व राशि करोड़ रुपए में 56,823.25 करोड़ रुपए, वृद्धि प्रतिशत 7.55। गैर कर राजस्व 32,250 करोड़ रुपए, 3.53% वृद्धि, 3.53% वृद्धि। कुल राजस्व प्राप्तियां 89,073.25, 6.0%, 0.6% वृद्धि। कर राजस्व विवरण 2022-23। राज्य का स्वयं का कर राजस्व करोड़ रुपए में 29,000%, 51.04% प्रतिशत वृद्धि, 5.45%। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 27,823.25, 48.96%, 9.84% वृद्धि। कुल कर राजस्व, ठीक है, 56,823.25 करोड़ रुपए, 100% और प्रतिशत वृद्धि 7.5%। कुल कर राजस्व महत्वपूर्ण तथ्य, कुल कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अनुमानित 7.5%। कर राजस्व में प्रमुख सर्वाधिक योगदान राज्य का स्वयं का कर राजस्व 51.04%। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 63.79%, 63.79%। गैर कर राजस्व विवरण 2022-23। केंद्रीय सहायता अनुदान राशि 16,750%, 51.94%, 0.67। राज्य का गैर कर राजस्व 15,548.06%, 6.9%। कुल गैर कर राजस्व 35,250.100%। गैर महत्वपूर्ण देखते हैं, तो गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान 51.94%, 51.94%। राजस्व प्राप्तियां वह 2022-23 80 करोड़ रुपए में, कुल राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, 89,073.25 करोड़ रुपए, 89,073.25 करोड़ रुपए। कुल राजस्व व्यय 88,371.61, तो आधिक्य या घाटा माइनस में 701.64, आधिक्य या घाटा माइनस में 701.64। राजस्व प्राप्तियों में वर्षवार प्रतिशत वृद्धि 6.06%। राजस्व व्यय में वर्षवार प्रतिशत वृद्धि 3.95%। राजस्व प्राप्तियों व्यय का प्रतिशत 99.21%। राजस्व व्यय 2023 80 करोड़ रुपए में, व्यय, ठीक है, खर्चा, ब्याज 7,222.25 करोड़, पेंशन 7,573.1, वेतन भत्ता 26,779, मजदूरी 1,072.38, अन्य 45,734.75। कुल राजस्व व्यय 88,371.6, ठीक है। साल 4 साल छत्तीसगढ़िया न्याय विद्यालय के गोठानों में भी बिजली उत्पादन, ठीक है, लघु धान्य फसलों से बरसेगा आदिवासी घरों में धन, कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है। बायोगैस बिजली उत्पादन संयंत्र, ठीक है, बायोगैस बिजली उत्पादन संयंत्र ग्राम फूकाना इंद्रगढ़ सुकमा में, नगर गोठान जगदलपुर बस्तर में, इस टाइप से आप देख सकते हो, ठीक है, गोठानों में बिजली उत्पादन हो रहा है। भाभा अनुसंधान केंद्र पार्क ट्रांबे मुंबई की टेक्नोलॉजी के माध्यम छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी रायपुर द्वारा प्रदर्शन करो बायोगैस से बिजली उत्पादन संयंत्र योजना, हवा एटॉमिक रिसर्च बायोगैस से बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना, ठीक है। और हर प्रति 3,000 पौधों का, 3,100 फुटकी का, 3,578 रागी प्रति क्विंटल, ठीक है, प्रति क्विंटल में। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन गठन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के साथ करा, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, ठीक है, ये आप देख सकते हो। कृषि के बारे में देख लेते हैं, सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 40.1 लाख का कृषि परिवारों में 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। वर्तमान प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों नहरों से, 52% क्षेत्र जलाशयों नहरों के माध्यम से, 29% नलकूपों से,
सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। स्थिर भाव पर फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान 2022 में योगदान 26,98,267 लाख रुपए है। 6% 6.53% व्यापार प्रतिशत 9.89%। राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रहा है राज्य के कुछ छोटे मल्टीपल सेंटर भूमि उपयोग 2021-22 स्रोत आयुक्त तो भू अभिलेख बंदोबस्त कांकड़े अख्तियार में। सकल बोया गया क्षेत्रफल 57,003,845 हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 46,30,966 हेक्टेयर। दो फसली क्षेत्रफल 10,72,879। कुल बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल राजनांदगांव 5,55,485 हेक्टेयर। न्यूनतम क्षेत्रफल बोया गया नारायणपुर है 25,115 हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजनांदगांव का 3,70,409 हेक्टेयर। न्यूनतम क्षेत्रफल है नारायणपुर 24,879 हेक्टेयर। दो फसली क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल में राजनांदगांव ही है 1,25,076 हेक्टेयर। बीजापुर है 54 हेक्टेयर। गोधन न्याय योजना चल रहा है। भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना चल रहा है। उद्यानिकी फसल के बारे में देखते हैं 2022-23 सब्जी क्षेत्रफल 4,95,224 उत्पादन मेट्रिक टन 6,68,48,323 68,48,323 मेट्रिक टन उत्पादन मेट्रिक टन पर हेक्टेयर 13.83 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। और फल फल का देखते हैं तो 2,22,474 25,90,804 11.65 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। मसाला का तो देख सकते हो 6.82 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। पुष्प का 12.06 मेट्रिक टन हेक्टेयर। औषधीय और सुगंधित फसल 6,477 क्षेत्रफल 45,485 7.02 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। योग जो टोटल इसमें क्षेत्रफल है वो 8,03,653 है और उत्पादन जो है 10,09,00,000 1,92,32 मेट्रिक टन। प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में उत्पादन 2021-22 अनाज अनाज जो है उसमें क्या कहते हैं धान गेहूं मक्का कोदो कुटकी। धान क्षेत्रफल 1,000 हेक्टेयर में 1,000 हेक्टेयर में तो सर्वाधिक 4,348,023 हेक्टेयर तो उत्पादन 1,000 मेट्रिक टन में तो इसका 13,238.5 सर्वाधिक। गेहूं का देख सकते हैं 63.83 मक्का 132.3 403.9 कोदो कुटकी 50.53 25.63। उसके बाद दलहन में आता है आपका चना नागपुड़ा तुअर तो इसका उत्पादन 260 है इसका 103 29.86 इसका 27.03। तिलहन में आता है आपका राई सरसों सोयाबीन रामतिल मूंगफली तो राई सरसों का 17.5 उत्पादन गन्ना में गन्ना 69.69। फसल औसत उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2021-22 फसल गन्ना औसत उत्पादन 5,316 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का 3,257 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धान 3,045 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूँ 1,272 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चना 782 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सोयाबीन 720 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2021-22। जल संसाधन देखते हैं जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज सिंचित सिंचाई क्षमता कुल सिंचित सिंचाई क्षमता मार्च 2022 की स्थिति में 21.47 लाख हेक्टेयर। राज्यों में 3,269 क्लब है ठीक है। सजीव युवा विज्ञान क्लब युवा शक्ति से नवा छत्तीसगढ़ का निर्माण ठीक है। तो राज्य में 13,279 युवा विज्ञान क्लब है 13,279। राजगढ़ के समय कुल सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर। राजगढ़ उपरांत सिंचाई क्षमता में वृद्धि 8.19 लाख हेक्टेयर। प्रधान प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.75% निर्मित और निर्माण अधिकांश योजना है ठीक है। निर्मित जो बन चुका है बृहद परियोजना 8 स्थापित है निर्माणाधीन में 4
मध्यम परियोजना 38 है, गृह निर्माणाधीन। लघु परियोजना 2,477, 340 निर्माणाधीन। नलकूप योजना 30 है, एक निर्माणाधीन। एनीकट स्टार स्टार डेम 806 है, स्थापित हो चुका है, 199 निर्माण हो रहा है। योग समस्त साधनों में कुल सिंचित क्षेत्रफल किसी स्थान 30 जून 2022, कुल सिंचित क्षेत्रफल, कुल सिंचित क्षेत्रफल 21,43,642 हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचित जिला जांजगीर 2,44,292 हेक्टेयर। न्यूनतम सिंचित जिला नारायणपुर 181 हेक्टेयर। सिंचित प्रतिशत 37% है, जांजगीर 84% सिंचित जिला है, दंतेवाड़ा 0% सिंचित जिला है। योग समस्त साधनों से निराश से क्षेत्रफल किसी वर्तमान 30 जून 2021 से निराश सिंचित क्षेत्रफल 16,04,321 हेक्टेयर। जांजगीर सर्वाधिक सिंचित जिला 2,44,292 हेक्टेयर। नारायणपुर 85% सिंचित, 35%। योग समस्त साधनों से निराश सिंचित क्षेत्रफल ना इसके बारे में 30 जून 2021 से जांजगीर चांपा सर्वाधिक सिंचित जिला 90%, दंतेवाड़ा 0%। क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक बार सिंचाई की गई हो किसी भी कारण से 30 जून 2022, कुल क्षेत्रफल 5,39,340 हेक्टेयर। सर्वाधिक क्षेत्रफल बेमेतरा 1,13,722 हेक्टेयर। न्यूनतम क्षेत्रफल 72 कुंडागांव नारायणपुर दंतेवाड़ा। भूगर्भीय जल स्थिति प्रदेश में सतही जल की मात्रा 48,296 मीटर, 50 मीटर उपयोग लाया जा सकता है, 40,720 मीटर। केंद्रीय भू जल बोर्ड की रिपोर्ट भूगर्भीय जल की मात्रा 11,620 मीटर उपयोग में लाया जा रहा है, 44%। भू जल की स्थिति कास्ट की स्थिति सुरक्षित श्रेणी में 122, सांसिक संकट की श्रेणी में 22, संकटपूर्ण श्रेणी में 2। सिंचाई स्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2021-22 नरें सिंचित हेक्टेयर में 8,99,242, नलकूप सहित अन्य साधन 6,68,558 हेक्टेयर, तालाब उसका 24,670, कुएं 11,826, योग 16,04,301 हेक्टेयर। सबसे पहले नारे थे, फिर नलकूप, फिर तालाब, फिर कुआं। आगामी वर्षों में राज्य कुल बोए गए क्षेत्र का 75% अर्थात लगभग 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई संकल्पित करने का लक्ष्य है। वन संसाधन के बारे में देखते हैं। वन संसाधन फॉरेस्ट इसी भाव पर जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का योगदान 2022-23 ठीक है, तो योगदान 8,68,837 लाख रुपये है ठीक है। 6% 4.05 है, 5% योगदान प्रतिशत 3.19%, 3.19% वृद्धि प्रतिशत 4.5 वनिकी क्षेत्र का 8,67,823 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ में वन स्थिति राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। देश का वन क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर, 59,772 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र का 44.2% भौगोलिक, प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 44.2% वन है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से में स्थान चौथा, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान चौथा, वन आवरण की दृष्टि से स्थान तीसरा, वन आवरण में तीसरा, वन क्षेत्रफल की दृष्टि चौथा। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर मई 2001 में अस्तित्व में आया था। मई 2001 में स्थापना के समय कुल परियोजना मंडल था 4, वर्तमान में परियोजना मंडल है 9, परियोजना मंडल 9। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में आया था, 9 परियोजना मंडल अभी है। छत्तीसगढ़ में वन एक दृष्टि में तो आरक्षित वन वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर 25,782.17 आरक्षित वर्ग 25,782.17 प्रतिशत 43.13, 43.13% संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग किलोमीटर, 40.22%, 40.22% अवर्गीकृत वन 9,914.13%, 16.65%। कुल योग 67,742.40 वर्ग किलोमीटर, 100% तो आरक्षित वन 43.13%, संरक्षित वन 40.22, अवर्गीकृत 16.65। इम्पोर्टेंट आता है लघु वनोपज सहकारी संघ
यह वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीय उत्पादों को उचित मूल्य पर क्रय कराता है। भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज हेतु 2014-15 से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू किया है। हर्रा और साल बीज का संग्रहण 2014-15 से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 श्री भूपेश बघेल बजट भाषण के अनुसार वर्तमान प्रदेश में कुल 65 लघु वन उत्पाद के राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। तेंदूपत्ता लाख मानक बोरा उत्पादन वर्ष 2021-22 13.06 लाख मानक बोरा, 2022-23 में 15.83 लाख 15.83 लाख मानक बोरा। तेंदूपत्ता पारिश्रमिक संग्रहण दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा। एक मानक बोरा में तेंदुपत्ता संख्या 50,000 तेंदुपत्ता, 50,000 एक मानक बोरा में तेंदुपत्ता संख्या 50,000 तेंदुपत्ता, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा। सबसे ज्यादा धान खरीदी पंजीकृत किसान 2017-18 में 15,70,032 था, वर्ष 2022-23 में 25,93,000 हो गया। पंजीकृत रकबा 24.46 था, 31.17 है। धान खरीदी 56,88,247 मीट्रिक टन, 1,10,00,000 खरीदी केंद्र 1899, 2497, 2497, 2497, 2497 ठीक है। कृषि 1,07,53,000 मीट्रिक टन 4 साल में धान खरीदी और किसानों के लगभग दो बजे ठीक है। 2497 कृषि खरीदी केंद्र 2017-18 में आप 12,06,12,06,000 56,000 9,000 और 2022-23 में 23,50,000 किसान 1,07,53,000 रिटर्न मार्क कर दिया। खनिज संसाधन देख लेते हैं, खनिज संसाधन कौन पर वित्तीय वर्ष 2022-23 मुख्य खनिज से 1,13,062 1,13,062 नहीं 11,362.2 करोड़ रुपए एवं गौ खनिज से 252.85 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वर्ष 2021-22 में राज्य खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.34% रहा। स्थिर भाव पर जीएसडीपी का खनन उपकरण क्षेत्र का योगदान 2022-23 योगदान 29,30,670 लाख रुपए 10.47% वृद्धि दर, योगदान प्रतिशत 10.75% राजस्व में योगदान गौर खनिज 3% खनिज 97% खनिज राजस्व 2021-22 कुल खनिज राजस्व आय 12,30,538.5 लाख रुपए मुख्य खनिज राजस्व 7,32,35.49 लाख रुपए 97%, गौर खनिज राजस्व 25,282.63 लाख रुपए 3%। खनिज उत्पादन का मूल्य 16% छत्तीसगढ़ भारत देखते हैं योगदान का प्रतिशत। कोयला मीट्रिक टन में है, कोयला मीट्रिक टन में है। उत्पादन 1,54,120 भारत में 7,68,790 योगदान पर उत्पादन 19.8% मूल्य 22.6% लौह अयस्क मीट्रिक टन में 40,313 मूल्य 2,18,099 उत्पादन 2,53,973 9,63,813 उत्पादन 16.27% 11.31। आप देख सकते हो चुनाव बदतर का इस टाइम से 10.67 4.38 और 3 का 26,383 321.99 भारत में उत्पादन है 26,383 उत्पादन योगदान का 100% का होता है 3 का। अन्य मुख्य खनिज में आते हैं भारतीय कान भी प्रकाशन आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा सन एनर्जी सेक्टर एनर्जी उद्योग इसी भाव पर जीएसडीपी में विद्युत गैस जलापूर्ति क्षेत्र का योगदान 2022-23 योगदान 30,74,205 लाख रुपये वृद्धि प्रतिशत 11.14% योगदान प्रतिशत 10.87% छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी 17 अक्टूबर 2022 की स्थिति में तापीय विद्युत 2,840 मेगावाट जल विद्युत 1,38.7 मेगावाट अन्य सह उत्पादन 6 मेगावाट 21 मार्च 2022 को भारत सरकारी
कुल की उत्पादन क्षमता 2984 मेगावाट। राज्य गठन के समय विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट। राज्य गठन से अब तक कुल वृद्धि 1624.7 मेगावाट, 119% वृद्धि। वितरण हानि का प्रतिशत 18.1। विद्युत उपभोक्ता स्थिति 2021-22 के अंत में कुल उपभोक्ता संख्या 60,24,000, गत वर्ष की तुलना में वृद्धि 1.02। विद्युत उपभोक्ता श्रेणी घरेलू 53.17, बीपीएल 28.15, कृषि हितग्राही 8.19, गैर घरेलू 6.27, औद्योगिक श्रेणी 0.60। विद्युत उपभोग का स्वरूप 2021-22 कुल विद्युत खपत 25,161.29 मिलियन यूनिट, विगत वर्ष तुलना में वृद्धि 1.07%। औद्योगिक क्षेत्र 37.89%, घरेलू 24.99, कृषि 19.1, गैर घरेलू 6.23, सार्वजनिक उपभोग 3.7। चर्चित स्थल तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है जो आज के क्लास का लास्ट तक है विद्युत उपभोग के बारे में। तो इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण सभी विभाग का अलग अलग देख चुके हैं, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास को एंड करते हैं।